हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चोली मसाला बनाने वाली हूँ, जिसे लोबिया भी कहा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैंने यहाँ पर 2 कप चोली को अच्छे से धोकर पानी में पूरी रात के लिए भिगोकर रख दिए थे। अब इसे उबालने के लिए एक प्रेशर कुकर में डालें। आप चाहे तो चोली या फिर लोबिया को 7 से 8 घंटे के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। चोली के साथ कुकर में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को भी डाल दें। 2 कप चोली के लिए 2 कप पानी ऐड करें और प्रेशर कुकर को बंद करके इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक कुक कर लें। मसाला के लिए मैंने एक पैन में 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल को गरम कर लिया है। आप इस रेसिपी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तड़के के लिए इसमें 1 तेजपत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 4 लौंग, 1 छोटी दालचीनी और 1 टीस्पून काली मिर्च को डालकर कुछ सेकेंड्स के लिए भून लें। नेक्स्ट तेल में बारीक चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज के प्याज को डालें और मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक प्याज को फ्राई कर लें। करीब 4 मिनट में प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें 1 चॉप किया हुआ हरी मिर्च और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। नमक और मिर्ची को आप हमेशा अपने स्वाद के अनुसार ही मिलाएं। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक ध्यान से डालें, हमने चोली को उबालते वक्त भी नमक ऐड किए थे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर को डाल दें। ये मसाले जल ना जाए उसके लिए चोली को हमने जिस पानी में उबाला था उसका 1 टेबलस्पून पानी मैंने ऐड किया है। अब इस मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक अच्छे से फ्राई करें जब तक ये तेल ना छोड़ दें। बाद आप देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें फाइनली चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज के टमाटर को डालें और सभी को अच्छे से मिक्स करके टमाटर गलने तक इसे ढक कर कुक करें। पांच सात मिनट में ये टमाटर सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अगर आपको स्मूथ ग्रेवी पसंद है तो चॉप्ड टमाटर के जगह पर आप टमाटर का पेस्ट या फिर प्यूरी को ऐड करें। नेक्स्ट पैन में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून अनारदाना पाउडर को मिला दें। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फाइनली पहले से बॉईल करके रखा हुआ चोली को पैन में डाल दें और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। आपको ग्रेवी कितना चाहिए उस हिसाब से या तो आप इसमें चोली के स्टॉक को ऐड करें या फिर गर्म पानी मिला दें। अब चोली को 2 मिनट के लिए ढक कर उबालें। 2 मिनट बाद लीड को हटाकर चोली को एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट करके थोड़ा क्रश किया हुआ
कसूरी मेथी को मिला दें। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो उसे फाइनली चॉप करके आप इसमें मिला सकते हैं। ग्रेवी को थिक करने के लिए थोड़ा चोली को लेकर उसे मैश करके ग्रेवी में मिक्स कर दें। अब पैन को फिर से कवर करके और 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक करें। लीड को हटाकर आप देखेंगे ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब ये चोली मसाला बिल्कुल तैयार है, तो गैस को बंद कर दें। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चोली मसाला या फिर लोबिया मसाला तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा और चावल के साथ एंजॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।